iPhone SE 2020, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पे देखने को मिल रहा है एंड इसके जो लीक्स और र्यूमर्स है काफ़ी एक्यूरेट निकल करके आया है, क्योंकि कल 15 अप्रैल बोला जा रहा था कि ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है एंड सच में लॉन्च हो गया यार। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फ़ोन है दोस्तों। इस बार आईफोन ने कुछ ऐसा काम किया है मतलब जिसके बारे में थोड़ा सा बात करना बनता है। तो स्टार्ट करें वीडियो को, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन SE 2020 के बारे में जो कि अभी कल ही लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से, और डिस्प्ले आपको 4.7 इंच की एक IPS LCD वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, और जो कि आईफोन उसको रेटिना डिस्प्ले बोलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर और नीचे काफ़ी ज़्यादा बेजल्स देखने को मिलते हैं मोटे मोटे से। तो ये थोड़ा मतलब यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा मतलब बेजल्स को कम करना चाहिए था। इनफैक्ट नीचे से नहीं कम किया तो ऊपर से तो डेफिनेटली करना चाहिए था। तो यहाँ पे एक मुझे डाउनग्रेड सी चीज़ लगी, हालांकि छोटे फ़ोन मुझे पसंद है 4.7 इंच के मतलब डिस्प्ले के हिसाब से अगर हम बात करूँ तो ठीक है फ़ोन, लेकिन यहाँ पे जो बेजल है उसको कम करना चाहिए था। बात करते हैं दोस्तों अगर हम डिज़ाइन की, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। एल्युमिनियम बेस्ड यहाँ पे पूरी जो बॉडी है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको तीन कलर देखने को मिल रहे हैं, वाइट, ब्लैक एंड रेड में ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो आपको लेटेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आईफोन 11 और 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स में देखने को मिला था। A13 बायोनिक चिप यहाँ पर आपको इसी फ़ोन में देखने को मिल रही है। कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सिंगल कैमरा आपको बैक में देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का होने वाला है। अब ये मत समझना कि यार 12 मेगापिक्सल का है कैमरे की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, आईफोन यार 12 मेगापिक्सल में ही बहुत कमाल कर देता है। इसके साथ अच्छी बात ये है कि आपका ये जो बैक में कैमरा 12 मेगापिक्सल का सिर्फ लगा हुआ है, ये 4K तक के वीडियो को सपोर्ट करता है और आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 4K तक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 7 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा, एंड यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब जो भी आपको कैमरे में क्वालिटी देखने को मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वाइड एंगल वगैरह तो यू नो कि उसके लिए आपको अलग से लेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है, उसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इस फोन में आपको चिन के साथ टच आईडी देखने को मिलती है, और इसमें आपको कोई भी 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे वो इन द बॉक्स देखने को मिलेंगे, और इनका जो वही मतलब पुराना वाला डिज़ाइन चलता था, टाइप सी नहीं, इनका जो कौन सा पोर्ट चलता था यार, वही वाला पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है इसमें, एंड चार्जर भी आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा। इस बार अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इन द बॉक्स चार्जर होगा या नहीं होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता है। बैटरी के बारे में बात करें तो वो कभी रिवील करते नहीं है, ये साइड पे बस इतना लिखा हुआ है कि जो आपकी 50% बैटरी है वो 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी। सो लेट्स सी, देखते हैं बाकी जब एंटीटू बेंचमार्क आएगा या फिर और कहीं से रिवील होगा तभी बैटरी की कैपेसिटी हमें पता चलेगी, फिलहाल हमें अभी बैटरी की कैपेसिटी नहीं पता है। और ये आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है, 64GB और 128 एंड 256GB। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि उसी वजह से ये थोड़ा सा मतलब हाइप में आ गया है। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग निकल करके आ रही है US की, वो बेस वेरिएंट की मतलब 64GB वाले वेरिएंट की अगर हम उसको INR में कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो वो 30,000 निकल करके आ रही है। लेकिन जो एप्पल ने इंडिया की प्राइसिंग रिवील की है वो 42,500, मतलब बताइए कि अगर इंडिया में ये फ़ोन सेल होगा तो यहाँ पे 42,500 रुपये के आसपास बेस वेरिएंट का प्राइस होगा। मेरे हिसाब से यार ये बहुत ही बेकार सी चीज़ है, मतलब US की प्राइसिंग 30,000 एंड इंडिया की प्राइसिंग 12,500 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है US की प्राइसिंग से और इंडिया की प्राइसिंग से। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे मतलब मानते हैं कि GST काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ गई है कि 12,500 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिले। तो ये काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन दोस्तों अगर ये फ़ोन इंडिया में आता है तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी लोग परचेज करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मतलब इसके बारे में क्या सीन रहता है, या फिर SE 2020 को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप में से कोई लेने वाला है क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दे रखे हैं, जाकर के वहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लीजिए।